मैं महेंद्र बौद्ध, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश। हम लोग आपसे, आपके माध्यम से पूरे देश के जो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में एक सुनियोजित ढंग से, जो हम लोगों ने, जो हमारे ट्रस्टी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर हम लोगों ने एक संस्थान बनाकर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का जो हम लोगों का प्रयास था, उसके 22 मेंबर ट्रस्टी थे, जो उसके अध्यक्ष थे, असमय उनकी मृत्यु हो गई, और उसका फायदा उठाकर जिला प्रशासन इंदौर ने शासन की निगरानी में 12 फर्जी मेंबर बनाकर उस सोसाइटी को हड़पने का जो प्रयास किया, इस संबंध में हम लोग आपसे चर्चा करने आए हैं। हाई कोर्ट में केस लंबित है, इसके बावजूद चुनाव हुआ, फर्जी ढंग से चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद ताले तोड़ दिए इस स्मारक के, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं, थोड़ फोड़ करके जिस ढंग से जो उन्होंने उस पर कब्जा किया है, एक बड़ा दुखद प्रश्न है। इस माध्यम से हमने, लोगों ने तत्कालीन इंदौर में भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज हम लोग नागपुर में आए, इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर साहब की कार्यशैली रही है, और नागपुर पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थान है कि जहाँ डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स रहते हैं, और हम लोग उनसे मदद लेने आए हैं। ये लड़ाई मध्य प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के अंबेडकर पंथी लोगों की है, और उसमें हम नागपुर और महाराष्ट्र के जो हमारे अंबेडकर के विचारधारा के लोग हैं, उनसे ये हम लोग निवेदन करने आए हैं कि इस लड़ाई में हम लोगों की मदद करें, और इसको एक मुहिम बनाएं कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, सांप्रदायिक सुधार की जो विचारधारा रही है, उसको ऐसे हाथों में जाने से रोकें जो गलत लोग उन पर शासन की सत्ता का हस्तक्षेप करते हैं। हमें डर है कि जो बिहार में बौद्ध गया में जो जिस ढंग से संस्था को हड़प लिया गया, कहीं ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में स्थापित ना हो, ये चर्चा करने हम लोग आपके माध्यम से महाराष्ट्र में आए हैं, नागपुर में आए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी इस मुहिम को, हमारी इस लड़ाई को आप लोग अपने पत्र, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस लड़ाई को हमारे साथ मदद करें। हमारी मांग ये है कि जिसके पुराने ट्रस्टी हैं, जो वैधानिक ट्रस्टी हैं, और नियमानुसार जो कानून है सोसाइटी का, उस सोसाइटी के कानून के आधार पर जो ट्रस्टी पुराने हैं उनमें चुनाव हो, जो उन्होंने 12 मेंबर बना दिए फर्जी एक दिन में, जिनकी ना कोई सदस्यता है ना कुछ है, और उन्होंने अधिकारियों के फर्जी बाड़े में 12 सदस्य बना के चुनाव जीत गए। हमारी ये मांग है कि जो कानून है संस्थाओं का, उस कानून के तहत चुनाव हो। हम लोग चुनाव मानने को तैयार हैं, जो हाई कोर्ट का निर्णय आए जो लंबित है, हम लोग उस निर्णय को मानने को तैयार हैं, लेकिन इस बीच में जिस ढंग से संस्थान को हड़प लिया गया है, उसको छुटकारा के लिए हम लोग आपके पास आइए, हमारी मांग है। कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट की प्रक्रिया ये है कि हम लोगों ने केस प्रस्तुत कर दिया, अब जब नंबर पे आएगा, ये तो कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट का निर्णय आखिरी होगा, लेकिन कोर्ट का जब निर्णय होगा उसमें टाइम लग रहा है, अभी डेट ही नहीं लग पा रही है, और इस बीच में उन्होंने फर्जी ढंग से इलेक्शन करा के, और उसको जिस ढंग से बलात् जबरदस्ती जो हस्ता से ताड़ तोड़ के करे, चाबी मांगते आप लिखित देते कि भाई जो पुरानी संस्था के लोग हैं आप चाबी दीजिए, तो हम लोग चाबी दे देते। जिस ढंग से उन्होंने बलात् कब्जा किया है, ये हम लोगों का एतराज है। ताला तोड़ा, दरवाजे तोड़े, चाबियाँ थी, अब चाबियाँ थी नहीं उनके पास, तो तालों को तोड़े, दरवाजे टूट गए उसमें, इस टाइप से। अब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर अंबेडकर, जो हमारे दलितों के मसीहा हम लोग मानते हैं,
उनके संस्थान को इस ढंग से तोड़ा जाए ऐसी क्या आवश्यकता थी सरकार को, जिला प्रशासन को, और उसमें एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। मेन चीज़ ये है, उनकी निगरानी में ये हुआ, तो ये लगा कि शासन इस पर पूरा तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, ऐसी क्या आवश्यकता थी, वो लिखित में देते कि हम लोग चुनाव करा रहे हैं, लिखित में कहते कि चुनाव हो गया, आप हमें चाबियाँ आप हमें दीजिए, हम लोग चाबियाँ देते उनको। ये चुनाव चुनाव नहीं, शासन और आरएसएस के माध्यम से एक कूटरचित और षड्यंत्र पूर्वक गठन किया गया है। आपके सामने डीजी खेवले साहब यहाँ बैठे हुए हैं, नागपुर, आप नागपुर के रहने वाले हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि की जो खोज है, भंडारा जिले के भंते धर्मशील इन्होंने महू जाकर 1970 में की थी, आप वहाँ पर गैरिसन इंजीनियर थे। ये फाउंडर मेंबर खड़े हैं, खेवले साहब हैं, सावंत साहब हैं, तुलसी पगारे जी हैं, ये संस्था के फाउंडर सदस्य, उन्होंने बाबा साहब की जन्मभूमि खोजी। कल पूरा देश भारत का गणतंत्र दिवस मना रहा है, उस गणतंत्र के महानायक की जन्मभूमि पर अवे असंवैधानिक रूप से षड्यंत्र पूर्वक और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा थोपने के लिए वहां पर 12 अवैधानिक सदस्यों के माध्यम से चुनाव करवाए गए, जिसका जो संस्थापक सदस्य है उन्होंने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया, कोई शामिल नहीं हुआ। एक तरफा प्रशासन ने चुनाव करवा लिए संस्था के संविधान के विरुद्ध, और वहां पर उनको कब्जा दे दिया। हम ये मांग करने आए हैं कि ये संविधान निर्माता की जन्मभूमि है, और वहां से बाबा साहब के समानतावादी विचारधारा का एक संदेश पूरे भारत में दिया जाता है। लेकिन उस संस्था को, उस पवित्र जन्मभूमि को, जिसका कोई मोल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को मध्य प्रदेश शासन ने बेच दिया है। यह हमारी जनता को अभी नहीं मालूम है। हम संस्था के संस्थापक सदस्यों के माध्यम से हम सर्व समाज से अपील करते हैं कि उस पवित्र जन्मभूमि पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की व्यक्ति विशेष विचारधारा के हाथ में वो स्मारक नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग मात्र इतनी है कि उस संस्था के 2018 के आधार पर उसका निर्वाचन हो। उस संस्था का नियम है कि जो भी अध्यक्ष रहेगा वो बौद्ध भिक्षु रहेगा, और वो जन्मभूमि पर रहेगा, वो राजनीति नहीं करेगा। लेकिन इसके उलट अचानक हम लोगों को मालूम ही नहीं कि उस संस्था के कौन मेंबर है। किसी भी संस्था के अंदर, आप कई संस्थाओं से जुड़े होंगे, किसी भी संस्था के अंदर जो रेगुलर सदस्य होते हैं उनको चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने दिया जाता है। अगर वो रेगुलर सदस्य नहीं है, किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं है, और अचानक शासन द्वारा ये बता दिया जाता है कि ये भी आपकी संस्था के सदस्य है, तो उसको कैसे माना जा सकता है। तो हम, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्म लिया। हम लोगों के उद्धार के लिए, इस भारत भूमि के उद्धार के लिए, और दूसरा जो जन्म दिया है, हम लोगों का मानना यह है कि जो दूसरा हमें जन्म दिया है वो नागपुर की दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को समानतावादी मानवतावादी धर्म स्वीकार कर हमें बौद्ध बनाकर इस पावन भूमि पर दिया है। तो हम इस पावन भूमि के माध्यम से, जन्मभूमि से आए हैं, और दीक्षा भूमि के जो लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा के जो लोग हैं, उनसे अपील करने आए हैं कि बाबा साहब की पावन जन्मभूमि पर ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो अपनी तरफ से आप लोग सक्षम हैं आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि संस्था के जो फाउंडर मेंबर है, कोई 88 जिनकी एज हो गई है, इनकी 88 हो गई, कोई 85 का है, कोई 80 का है, इन लोगों को उस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो उस निर्वाचन को आप क्या मान सकते हैं। तो ये एक तरीके से अतिक्रमण हुआ है। आज इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध जी और संस्था के संस्थापक सदस्य आज ये प्रेस वार्ता ले रहे हैं। एक दिन में 12 बढ़ गए, अगर बढ़ने हैं तो विधिवत बढ़े, मेंबर बने, उसके जो बायलॉज है उसके आधार पर उनको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक दिन में बढ़ गए, एक उनके अध्यक्ष के ख़त्म होने के बाद बढ़ गए, इलेक्शन करा दिया, हाई कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे। गैर राजनीतिक संस्था है, कोई राजनीतिक किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अब वहाँ पर जो राजनीतिक हस्तक्षेप करके जो एक विशेष विचारधारा के लोग हैं उनको वहाँ जोड़ा जा रहा है, उस पर ऐतराज़। देखिए, ऐसा है,
इसके पूर्व अध्यक्ष 20 जून 2019 को उनका निधन हो गया। उसके बाद में संस्था के अंदर संस्था को नियम से चलाने में एक मतभेद था कि संस्था संविधान निर्माता की जन्मभूमि को नियम से चलाया जाए। 23 सदस्य थे 2019 में, 23 में से 16 ये चाहते थे कि संविधान निर्माता की जन्मभूमि को संवैधानिक रूप से चलाया जाए, लेकिन सदस्य 6 सदस्य जो थे जो किसी पार्टी और किसी संस्था से संबंधित थे वो ये नहीं चाहते थे कि संस्था संवैधानिक के अनुरूप चले, संस्था चले तो हमारे हिसाब से चले। इसलिए संस्था के संस्थापक 16 सदस्य अलग होगा कि संस्था नियम से चलाइए। अब इसी बीच 2019 में पूर्व अध्यक्ष बनते थे संघशील जी का निधन हो गया। संस्था की जांच हुई, संस्था की जांच के अंदर जो 12 अपने आप को सदस्य कह रहे थे, सहायक पंजीयक इंदौर, उन्होंने 12 सदस्यों को अवैध पाया। संस्था को भी ये पाया कि ये संस्था नियम से नहीं चल रही थी, इसी वजह से संस्था की शासकीय निकाय भंग करके संस्था के ऊपर 1 साल के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब संस्था के सारे सदस्य ये चाहते थे कि ये संस्था के 2018 के आधार पर चुनाव हो जाए और ये संस्था नियम से चले। अब इसमें मतभेद ऐसा था कि 16 लोग अलग थे, 6 लोग अलग थे। अब वो 6 लोगों के पास में पर्याप्त संख्या नहीं थी, तो आरएसएस के माध्यम से और बीजेपी के माध्यम से उन्होंने अपने जो 12 जो लोग थे अवैध, वो 6 की संख्या 18 उन लोगों ने कर ली। इस बात का हम लोगों ने विरोध किया। अचानक 6 दिसंबर को बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर अचानक बाबा साहब की जन्मभूमि पर एक समरसता का कार्यक्रम आयोजित होता है जन्मभूमि पर, जब तक हमें नहीं मालूम कि इसमें 12 लोग भी जोड़ लिए। और जब इस बात का विरोध होता है कि बाबा साहब की जन्मभूमि पर किसी विशेष संस्था का कार्यक्रम क्यों, यहाँ पर तो मेमोरियल सोसाइटी का ही कार्यक्रम होना चाहिए, तो 7 तारीख को अचानक एक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाता है। 22 और 12 जोड़ के 34 मेंबरों के बीच में चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया जाता है, जिसका संस्था के सभी सदस्यों ने दावे आपत्ति में विरोध किया, निर्वाचन प्रक्रिया में विरोध किया कि अगर ये 12 लोग निर्वाचन के अंदर शामिल होते हैं तो ये निर्वाचन प्रभावित होगा, इसलिए हम इस निर्वाचन का ही बहिष्कार कर रहे हैं। तो उस निर्वाचन का संस्था के संस्थापक सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने उस समिति का गठन किया, जबकि बायलाज ये कहता है कि किसी भी संस्था के अंदर जब निर्वाचन भी किया जाता है तो हमारी संस्था के अंदर निर्वाचन का नियम ये है कि आप कोरम के आधार पर इसका निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर भी 2/3 सदस्य होना जरूरी है। उन्होंने जो निर्वाचन अपनाया, निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई, वो हमारे बायलाज का जो संविधान है उसके विपरीत, और जो निर्वाचन भी उनका करवाया जो फर्जी निर्वाचन है, आज निकल कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो जो निर्वाचन जो दर्शाया है उसमें उनका निर्वाचन उनका कोरम ही पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे संस्था के बायलाज के अंदर एक नियम हैगा कि अगर हमारी संस्था की जांच होगी, सहायक पंजीयक उस पर जाँच करेगा और सहायक पंजीयक कोई अपना अंतिम निर्णय देता है तो उसका निर्णय सबको मान्य होगा। संस्था के जितने भी सदस्य हैं ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये लोग ये चाहते थे कि संस्था का संचालन नियम से हो। अब जो भी कुछ त्रुटियां उसमें पूर्व में हो चुकी थी, हमें दिख रहा था कि इसमें कोई विशेष संस्था इस पे कब्जा करने की फिराक में है, तो हम संस्था को तो नियम से चलाना चाहते थे, तो हमने कोई अपील नहीं करी। हमने तो ये बोला कि प्रशासक 1 साल के लिए नियुक्त हुआ है तो 1 साल में वो चुनाव करवा दे पुराने लोगों के आधार पर, दैट्स ऑल। लेकिन खुले तौर पर इतने बड़े जो इंटरनेशनल महत्व की जो जगह है उसके साथ में अचानक जो लोग संस्था के जो रेगुलर सदस्य नहीं है, शासन के दबाव में, पार्टी के दबाव में, उस जगह पर इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक करके कब्जा कर लिया है। अभी हमारी एक लड़ाई और चल रही है, आप सभी को मालूम होगा हम बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं कई वर्षों से। हम किसी राजनीतिक पार्टी, किसी विशेष का किसी का विरोध नहीं है, ना किसी धर्म विशेष का विरोध करते हैं। चूंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने 40 करोड़ रुपए पर लात मारकर हमें विश्व का मानवतावादी समतावादी धर्म जो दिया था, हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं।
लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो तीर्थ स्थली है बुद्ध गया, वो भी हमारे बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में नहीं है। अब ये बाबा साहब की पवित्र जन्मभूमि भी अगर छिन जाएगी तो इस भारत देश की जो आज जो जड़ें मजबूत है, लोकतंत्र की जो जड़ें मजबूत है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की वजह से मजबूत है, समतावादी विचारधाराओं के वजह से मजबूत है। अगर उन्हीं के संस्थानों पर अगर ऐसे कब्जे होने लग गए तो ये जो विचारधारा ये विपरीत दिशा में चलेगी, लोगों को दिग्भ्रमित करेगी। हम लोगों का यही मानना है कि बाबा साहब की पवित्र जो जन्मभूमि है, संस्था के जो संस्थापक जो पुराने मेंबर है उनके हाथों में उसका संचालन रहे, और ये समतावादी बाबा साहब के विचारों के अनुरूप ही इसका संचालन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से मऊ संस्थान जो डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि जिला इंदौर में है, उसमें 22 सदस्य थे, 6 दूसरी विचारधारा के थे, 16 दूसरी विचारधारा के थे, तो 12 मेंबर बढ़ाकर बहुमत करके उन्होंने जो अवैधिक ढंग से जो चुनाव कराया, और चुनाव के बाद एकदम बलात् ताला तोड़कर दरवाजा तोड़कर जो कब्जा किया, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं जो पहले चर्चा हुई है कि डॉक्टर अंबेडकर जिसने संविधान बनाया उसी के संस्थान को गैर कानूनी ढंग से जो हड़पा जा रहा है, ये बहुत बड़ा देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसमें जैसा कि हमने कहा कि इसमें बीजेपी की सरकार का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मैं मोहन राव आकोड़े, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि को पिछले 14 सालों से चला रहा हूँ, उसका सेक्रेटरी रहा हूँ, और मैंने अपना पूरा जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक के लिए समर्पित कर रखा है। वहाँ पर पिछले हम कई वर्षों से बाबा साहब की पवित्र जन्मभूमि के लिए पर्याप्त जगह मिले, वहाँ अनुयायियों की कैसे व्यवस्था हो, बाबा साहब के विचारों के अनुरूप जो वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं उनको सारी सुख सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग सारे प्रयास कर रहे थे। वो बड़ी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक है वो बड़े ही संघर्ष के रूप में बना है। बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़े संघर्ष करने के बाद में जमीन प्राप्त हुई, बड़े संघर्ष के बाद में वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने स्मारक बनाया, वहाँ पर प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, देश के सारे शीर्ष नेता वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर इतनी बड़ी पवित्र जन्मभूमि पर एक आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए जो सदस्य इस संस्था के अंदर थे, जब उनके पास में पर्याप्त संख्या नहीं थी, उन्होंने शासन के दबाव में और संघ के माध्यम से दबाव डलवा के 12 अपने जो अवैधानिक सदस्य हैं उनको वैध करवा लिया। 6 लोगों की संख्या थी, उनकी 18 हो गई, और उन्होंने शासन के दबाव के अंदर वहाँ पर अपना गठन भी करवा लिया। संस्था के जो संस्थापक सदस्य हैं उन लोगों ने सब ने इस पूरी घटना का, इस पूरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया, उसके बावजूद प्रशासन ने बाबा साहब की जन्मभूमि पर मनमानी की है। इससे बाबा साहब की जन्मभूमि पर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ये पूरे भारत के अंदर जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट फॉलोअर हैं, उन लोगों को इस घटना की जानकारी नहीं। आज हमारा आदरणीय महेंद्र बोध जी के मार्गदर्शन में और संस्था के जो संस्थापक सदस्य हैं, मैंने आपका पहले ही परिचय करवाया कि डीजी खेवले ये जो मऊ के अंदर गैरिसन इंजीनियर थे, इन्हीं के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जन्मभूमि की खोज हुई है। वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि ये सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संघ और भाजपा के हाथ में स्मारक चला गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए, ना ही किसी राजनीति विशेष व्यक्तियों के हाथ में वो स्मारक होना चाहिए। हम लोगों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस घटना की मालूम पड़े, और वो मध्य प्रदेश शासन पे दबाव बनाए कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर ऐसी दलगत राजनीति हम लोग नहीं होने देंगे। ये कब्जा कब हुआ? ये 28 दिसंबर को कब्जा हुआ है, और 28 दिसंबर को हमने चुनाव का बहिष्कार किया है। 19 दिसंबर को हमने वहाँ पर सूचना जारी करी है, हमने माननीय न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है। प्रशासन ने न्यायालय का भी ना इंतजार करते हुए हाथों हाथ जो बीजेपी और संघ से रिलेटेड जो सदस्य थे उनके हाथ में बागडोर सौंप दी। ये बड़ी ही निंदनीय बात है, इसलिए हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से ये अपील करने आए हैं
कि हमारे समाज के अन्य समाज के जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन लोगों को जब ये मालूम पड़ेगा तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर पवित्र जी की पवित्र जन्मभूमि की आवाज़ वो भी बुलंद करेंगे, ताकि शासन भी जब ये सारी चीज़ें होगी तो शासन को भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो इस संस्था के जो पुराने सदस्य हैं उन लोगों की बागडोर, ये संस्था की बागडोर उन लोगों के हाथ में थी।